तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास छोटे 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 क्लिप थे जो मैं ब्लॉग के जरिए आपके साथ शेयर कर रही थी। और मैं 10 डेज से लगभग, हाँ बीच में मैंने ब्लॉगिंग करी थी, एक दो दिन संडे मैंने ब्लॉगिंग करी थी, हाँ उसके पहले मैंने नहीं की थी, संडे और मंडे की हूँ। उसके बाद आज कल ट्यूजडे था, आज वेडनसडे है, तो वेडनसडे से फिर से आज से मेरा ब्लॉग रहेगा कंटिन्यू, बिकॉज अब मेरे ब्लॉग खत्म हो गए हैं क्योंकि मैंने उधर बीच में ब्लॉग नहीं डालती थी ना, तो इसी वजह से ढेर लग गए थे ब्लॉग के। तो बस यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ और हमारा लंच अभी हो चुका है। लंच में चावल दाल हम लोगों ने खाया, पता नहीं क्या मैसेज आ रहा है, चावल दाल हम लोग खाएं। और बाहर 3 दिनों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ था तो मैंने सारे कपड़े लेके और बाहर डाले, लेकिन फिर उसके बाद फिर से बारिश बारिश जैसा होने लगा। मेरे को लगा कि अगर ऐसे ही मैं चक्कर काटती रही ना अंदर बाहर, तो फिर मैं लेट भी नहीं पाऊंगी, तो सारे कपड़े ला के पीछे डाल दी। और पीछे डालने के बाद 2-4 कपड़े ही टॉवल वगैरह हैं जो बाहर हैं, बाकी सब मैंने अंदर रख दिए हैं। रख दिए हैं क्या, डाल दी हूँ रस्सी पे, और जो क्लॉथ स्टैंड था उसको भी मैं ला के पीछे रख दी हूँ, ताकि टेंशन खत्म हो जाए मेरी कि हाँ भाई बाहर कपड़े हैं, बार बार दौड़ के जाओ और नींद सो भी नहीं। इस पर लेटना है तो लेट जाओ, ये इस पर ये क्रीम का डब्बा लेके घूमता रहता है, मेरे इसमें का ना क्रीम खत्म हो गया है लैक्मे का जो मैं यूज करती हूँ, और मैं सोच रही हूँ अपना क्रीम अब चेंज करने के लिए। ये वाला तो खैर अच्छा है ही, लेकिन एक क्रीम और मैं ट्राई करना चाहती हूँ जो बहुत टाइम से, मतलब उसके रिव्यू वगैरह देखी हूँ बहुत अच्छे हैं, तो ट्राई करके देखूंगी। अगर मुझे, अभी मंगाई भी नहीं हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, बिकॉज ये वाला क्रीम तो मैं 6-7 साल से यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है। और मैं ही नहीं, ये मेरे घर में सारे लोग ही यही यूज करते हैं, और मम्मी भी रिसेंटली यहाँ पे जब से आई है मम्मी जी भी यही वाला यूज करने लगी है। चलिए थोड़ी देर से मिलती हूँ। और मैंने मंगाया था एक ये वॉर्म लेगिंग्स जो स्किन कलर का है, एक्चुअली ब्लैक कलर मेरे पास पहले से ही है, पता नहीं वो मैंने वीडियो में दिखाया है कि नहीं। इस विंटर स्टार्टिंग में मैंने ना अक्टूबर लास्ट में मैंने ऐसा वाला मंगा लिया था, क्योंकि लास्ट ईयर विंटर में भी ये वाला जो लेगिंग्स है ये काफी ट्रेंड में था, तो मैं उस टाइम ही लास्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैंने इस बार अक्टूबर लास्ट में ही इसको मैंने ऑर्डर किया था ब्लैक कलर का। और ब्लैक वाला क्या रहता है ना कि किसी भी ड्रेस के साथ भी डाल लो या फिर हम जींस वींस पहनते हैं उसके साथ, और ये वाला तो मैंने मंगाया है ये वाला कलर सिर्फ जैसे शॉर्ट ड्रेस पहन डालो ना, वन पीस ड्रेस वगैरह के लिए मैंने ये वाला मंगाया है। इसके ऊपर से मैंने ब्लैक वाला जो नेट होता है वो भी मैंने ऑर्डर किया है, तो वो मैं बाद में देखती हूँ, आएगा तो अगर पसंद आएगा तो रखूंगी, नहीं पसंद आएगा तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी। जाहिर सी बात है हम चीजों को मंगा के रखेंगे क्या जब यूज करेंगे, तो ये तो मेरा यूज होने वाला है क्योंकि बहुत सारे वीडियोज के लिए भी काम आते हैं अगर मुझे बाहर वन पीस ड्रेस पहन के जाना है इस टाइम पे विंटर में। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा रूम इस टाइम पे बिखरा हुआ है, और इसको ठीक करने में मैं लग गई हूँ। ये जो पार्सल आया था उसका रैपर है, साथ ही साथ ये ब्लैंकेट्स और कुछ कपड़े बाहर से उठा के लेके आई हूँ, उन सबों को भी अभी करना है फोल्ड और उसको जमाना है जहाँ मुझे रखना है। तो ये मेरा नाइट सूट का ये लोवर है और इसको ना अभी थोड़ा सा छोटा करना है, तो ये सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं अभी ब्लैंकेट को फोल्ड कर ले रही हूँ। 2 ब्लैंकेट है तो कुछ दिन बाद एक हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ धीरे धीरे कम ही हो रही है। और मेरे जो कपड़े थे वो मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे अलमारी के पास, और अलमारी में आजकल लॉक लगाना पड़ता है इसलिए, क्योंकि स्पर्श की दवाई है इसमें रखती हूँ, और लॉक ना लगाओ ना तो फिर वो आके दवाइयों को खा जाता है, सो लॉक लगा के हमेशा ही मुझे इसको रखना पड़ रहा है। पहले नहीं लगाती थी, नहीं तो वो उसको ना मीठी दवाइयाँ बहुत अच्छी लगती है, तो वो बस अभी मैं बना ले रही हूँ बन, और उसके बाद फिर मैं अभी और भी काम में लगूंगी। एंड आगे मैं आपके साथ कुछ बहुत अच्छा शेयर करने वाली हूँ, मैंने कुछ शॉपिंग करी, और शॉपिंग करने में हम लोगों को कितनी मज़ा आता है ना, इसको किसको मज़ा आता है बताना। तो यहाँ देखिए पूरी इस कवर्ड में ऊपर में पूरी मेरी साड़ियाँ भरी पड़ी हुई है। चलिए आगे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है, क्या क्या शॉपिंग करी है। हाय गाइस, तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी हॉल। ब्यूटी हॉल में ऐसा नहीं है कि मैं इतना सारा आपके साथ कुछ शेयर करूं, मैं मेरी जो चीजें खत्म हो गई थी उसको मैंने परचेज किया है 5 से 7 चीजें, वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और मैंने अमेजोन से शॉपिंग करी, आए दिन मैं अमेजोन से शॉपिंग करती रहती हूं, जो भी मेरे ब्यूटी फैशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना, ज्यादातर मैं शॉपिंग जो करती हूँ वो अमेजोन से करती हूँ। चलिए फटाफट से मैं अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब मुझे जरूरी जरूरी जो चीजें थी वही सारी मैंने चीजें यहाँ पे खरीदी है। उसका बाय लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, साथ ही साथ माई हॉल स्टोर के लिंक को भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो जो शॉपिंग कर रही हूँ वो तो माई हॉल स्टोर पे आपको दिखेगा ही, साथ में पहले जितनी भी मैं शॉपिंग करती आई हूँ सारी चीजों के लिंक आपको दिख जाएंगे माई हॉल स्टोर पे। जो मैं सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, मैंने एक मंगाया है फाउंडेशन, जो वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन है, एंड ये
फोटो फोकस फाउंडेशन है और इसका जो सेड है ना ये नेचुरल मैंने परचेज किया है, 30 ml की क्वांटिटी के साथ मिल जाता है। एंड जितना कि मैंने सुना था इस फाउंडेशन के बारे में, वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन के बारे में, कि ये वाटर प्रूफ होता है, रियली ये वाटर प्रूफ है। मैंने एक दिन इसको अप्लाई भी किया था। प्राइस इसकी 699 मेंशन है, बट कई बार ना डिस्काउंट पे मिल जाता है मुझे, तो आप लोग लिंक के थ्रू अगर लेते हैं तो आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है ना कि ये स्टिक के साथ आता है, स्टिक से अप्लाई करने में बड़ा अच्छा रहता है। जितनी क्वांटिटी में हमें लगाना है बस डॉट डॉट कर लो, अगर हमें ज्यादा कम लगाना है तो एकदम थोड़ा सा डॉट करो एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। सेड आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हल्का सा आपको ये सेड लगा के दिखा रही हूँ। इसको ब्लेंड करने की जरूरत है और ब्यूटी ब्लेंडर से काफी अच्छी तरीके से मुझसे ब्लेंड होता है। अगर मैं फिंगर से करूं तो फिंगर से मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि पैसेज आ जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया, मतलब ज्यादा कुछ व्हाइटनेस पता नहीं चल रही है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद जो मैं सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज की हूँ स्टिक्स का, मैं हेयर सीरम यहाँ पे परचेज की हूँ और ये मैं काफी टाइम पहले परचेज की थी, 4 ईयर पहले मैंने परचेज किया था, लेकिन फाइनली मैंने ये वाला अभी परचेज किया स्टिक्स का सीरम। और ये मैं पहले भी 2 बार परचेज कर चुकी हूँ और ऐसा नहीं होता है कि जो सीरम है ये तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा, ये कम से कम 1 साल 1.5 साल चलते हैं, कई बार तो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो लास्ट वाला जो मेरा था ना वो एक्सपायर कर गया था, इसी वजह से मुझे ये खरीदना पड़ा है। कई बार हम हेयर शैम्पू करते हैं, कहीं बाहर जाना होता है तब भी मुझे सीरम की जरूरत पड़ती है। ऐसे मैं डेली जैसे हफ्ते में 2 दिन शैम्पू किया तो मैं सीरम अप्लाई नहीं करती हूँ, कभी मुझे ऐसे जरूरत है तभी मैं अप्लाई करती हूँ। एंड गाइस उसके बाद मैंने परचेज किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्चुअली फोकस नहीं कर रहा है, ये जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम है जो कि आता है विद जोजोबा एंड आलमंड ऑयल के साथ। आलमंड ऑयल हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ये होता है ना कि हम कहीं भी लेके जाने लेके आने में बहुत ही ज्यादा सुटेबल होते हैं, हम अपने हैंडबैग में भी डाल लेते हैं। और सर्दियों का मौसम है ना, जैसा कि अभी थोड़ी तो सर्दियां कम हो गई है, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं घूमने उमने जाते हैं तो फिर हम इसको अपने हैंडबैग में डालो, कई बार हमें अपने हैंड को भी मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, तो ये इसके लिए काफी अच्छा है। बाद में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये देख सकते हैं ये मार्स का है, हाइलाइटिंग पैलेट है और हाइलाइटिंग फेस किट है ये। एंड ये आप देख सकते हैं इसमें ना 4 सेट हमें टोटल मिल जाते हैं। और चलिए इसको ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को क्या है कैसा है। तो इस तरीके के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ, इसके ऊपर और भी था लेयर 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 जैसा कि पार्सल आता है। एंड ये देखिए 4 सेट मिल जाता है, जब लेते हैं इसको ओपन तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसमें 4 कलर हैं, एक तो गोल्डन कलर है और एक पूरा मैं व्हाइट नहीं बोलूंगी, व्हाइट थोड़ा सा ऑफ व्हाइट जो होता है ना वो वाला, मतलब लाइट गोल्डन में ही आ जाता है, ऑफ व्हाइट है। एंड एक थोड़ा सा आ जाता है हमें डस्टी कलर में एंड एक सिल्वर कलर में, हमें 4 कलर है। चारों की पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। सो अगर आप लोग को लेना है ये तो मैं एक हाईलाइटर के लिए भी ली हूँ, साथ ही साथ कई बार आई शेडो के लिए ना भी ये यूज हो जाता है। अगर हमें कोई लाइट आई शेडो यूज करना होता है तो हम इसको लगा सकते हैं। और शिमरी है, हल्का हल्का शिमरी ये है, चारों शिमरी है, बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा और ये मुझे लेना ही था, सो मैंने इसको परचेज किया। मैंने मंगाया है इवर्टीन का डेली पैंटी लाइनर्स। बहुत सारे लोग पैंटी लाइनर यूज नहीं करते हैं बट मुझे जरूरत पड़ती है उन दिनों जब पीरियड्स हमारे स्टार्टिंग रहता है या फिर खत्म होता है, उस टाइम पे मेरे जो पैंटी लाइनर्स हैं वो यूज होते हैं। तो इसमें टोटल मुझे मिल गया है इतना सारा, अब दिख रहा होगा इतना सारा मुझे टोटल मिला है। तो बस ये इवर्टीन का पहले भी मैंने यूज किया है, हमेशा से मैं मंगाती रहती हूँ, तो ये मुझे ना 2 से 3 मंथ्स पे मुझे मंगाना पड़ता है। तो ये काफी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो टॉप लेयर है ना ये कॉटन का है और इरिटेशन भी नहीं होता है, इसलिए ये वाला मैंने मंगाया है। सारी डिटेल्स तो मैंने इसकी फुल रिव्यू भी शेयर की है, तो क्या पूरी रिव्यू मैं शेयर करूं। एंड गाइस उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लशर ये मंगाया है मैंने, छोटू सा है ये स्विस ब्यूटी का। मैंने स्विस ब्यूटी के और भी प्रोडक्ट्स कार्ट में डाल के रखे हैं, तो मैं मंगाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ एकदम बड़ा सा हॉल शेयर करूंगी। और चलिए इसको ओपन करके दिखाती हूँ, उसमें हमें 4 सेड मिल जाते हैं ये देख सकते हैं। और ये ब्लशर और हाइलाइटर तो है बट हम इसको यूज कर सकते हैं आई शैडो की तरह भी या फिर हाइलाइटर तो हमें यूज करना। चलिए मैं हल्का सा लगा के फिंगर से ही दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे ना हाइलाइटर बहुत ज्यादा पसंद नहीं है,
क्योंकि एकदम शाइन शाइन करने लगता है। सो अभी मेरे फेस पे नो मेकअप, लिपस्टिक, हाइलाइनर है बस। तो ये मैंने मंगाया है, इसमें ना पिंक है, व्हाइट है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक भी है, ये दोनों लाइट पिंक, डार्क पिंक, व्हाइट ये। तो गाइज ये था मेरा ब्यूटी हॉल, कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। मिलती हूँ।